नमस्कार साथियों साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कब्ज पर। करीब 70-75% लोग भारतवर्ष के अंदर ऐसे हैं जो उनका पेट साफ नहीं होता, पेट में कोई ना कोई गड़बड़ी है, या तो कब्ज है, या फिर खाना खाते टॉयलेट जाना पड़ता हो, दो बार जाना पड़ता हो, पेट में अफारा बनता हो, गैस बनती हो, पेट फूल जाता हो, काफ़ी प्रॉब्लम है पेट के अंदर, क्योंकि हमारा खान पान सही नहीं है, दिनचर्या हमारी सही नहीं है, तो उसकी वजह से हमारा पेट खराब रहता है। जब तक हमारा, मैं हमेशा कहता हूँ और अपने पेशेंटों को भी कहता हूँ जो भी मेरे पास आते हैं, जब तक उनका पेट साफ नहीं होगा तब तक किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट भी नहीं होगा। सबसे पहले मैं पेट साफ करता हूँ, चाहे कमर दर्द का पेशेंट हो, चाहे सर्वाइकल का हो, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, मोटापा बढ़ा हुआ हो, या फिर किसी भी कोई भी बीमारी उठा ले हो, सभी में पेट हमारा मेन है। अगर अपना पेट साफ नहीं है तो बीमारी का ट्रीटमेंट होगा ही नहीं। हड्डियाँ भी कमज़ोर होगी तो बीमारी पेट में कमजोर कब्ज की वजह से है, क्योंकि जो भोजन हमें खाते हैं, जो पोषक तत्व भोजन से मिलता है, वो भोजन हमें शरीर को ना मिलकर टॉयलेट्स के द्वारा बाहर निकल जाता है, या कब्ज होकर पूरा पूरे तरीके से हमें पोषक तत्व मिल नहीं पाते। तो कब्ज होना एक बहुत ही बड़ी बीमारी है, पहले कब्ज को ठीक करना होगा, फिर अपने को जो और बीमारी हमारे साथ घिरी हुई है उसको ठीक करना होगा। कब्ज से लगभग सैकड़ों बीमारियां कब्ज से ही ठीक हो जाएगी अगर आप कब्ज को ठीक कर दें। कब्ज होती क्या है? सबसे पहले तो हमें पेट एक बार साफ होना चाहिए। जिनको दो बार टॉयलेट जाता मैं तो उनको भी कब्ज मानता हूं। एक बार टॉयलेट जाना चाहिए और हमारा टॉयलेट मूली की तरह बंधा हुआ होना चाहिए, और टॉयलेट हमारा टॉयलेट सीट को नहीं चिपकना चाहिए, टॉयलेट हमारा पानी में डूबना नहीं चाहिए। अगर पानी में हमारा टॉयलेट डूबता है, समझो हमारे जो भोजन में पोषक तत्व है वो टॉयलेट में चले गए हैं, टॉयलेट हमारा तैरना चाहिए। तो अपने पेट को साफ करिए, और पेट के लिए का एक अच्छी दवा, चाहे कितनी पुरानी हो, चाहे 5 साल से हो, 10 साल से हो, 15 साल से हो, मैं हमेशा बताता हूँ, त्रिफला लीजिए, गर्म पानी का सेवन कीजिए, लिक्विड ज़्यादा लीजिए, तो पेट अपना वैसे ही साफ रहेगा। खाना खाते ही वज्रासन में बैठिए। और एक जिनको पुरानी कब्ज है, फिर भी आपकी पुरानी कब्ज यानी ठीक नहीं हो रही, चाहे 10 साल से 15 साल से, बुजुर्गों में काफ़ी सालों पुरानी कब्ज होती है, काफ़ी पेशेंट में देखता भी हूँ, काफ़ी पुरानी कब्ज होती है, उनके लिए आज एक स्पेशल औषधि तैयार कर रहे हैं गुलकंद के अंदर। तो आइए आप भी देखते हैं उसके अंदर क्या क्या हमने मिलाया है, और आप भी समझिए और अपने घर पर उनको तैयार भी कीजिए। तो चलिए सीधे औषधि की ओर चलते हैं, कैसे उनको बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने सामग्री ले ली है आपने कब्ज की, तो दवाई बना रहे हम उसमें। सबसे पहले हमने लिया है गुलकंद, गुलकंद हमने 400 ग्राम लिया है, ये देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया गुलकंद है, प्रवाल युक्त है, आप गुलकंद ले लीजिए। और दूसरा हमने लिया है इसमें कुछ 3 दाने हमने अंजीर के लिए हैं, और ये औषधि इसमें अहम है, ये देख सकते हैं बिल्कुल नमक की तरह काला पत्थर सा है, और बहुत ही मेन औषधि इसमें कब्ज में काम करने वाली है। इसका नाम है शकमोनिया, ध्यान से सुनिए, शकमोनिया, ये आपको पंसारी की शॉप से मिल जाएगा, बिल्कुल पत्थर है, काले नमक की तरह है, आप इसको सीधा नहीं ले सकते, अगर जीभ पे रखते हमारी जीभ फट जाएगी। तो हमें क्या करना है, इसको सभी चीज़ों को गुलकंद के अंदर मिक्स करना है। और एक विशेष ध्यान देने वाली बात है, जिस भाई को या बहन को शुगर है तो वो गुलकंद का उपयोग ना करे, वो गुलकंद की जगह किशमिश का उपयोग करे, साथ में बादाम और किशमिश दोनों को मिक्स करके उनके अंदर इन दोनों चीज़ों को मिला सकते हैं। तो हम गुलकंद के अंदर मिला रहे हैं, तो सबसे पहले हम इस अंजीर के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, और शकमोनिया को बिल्कुल बारीक पाउडर कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने अंजीर के छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं, और शकमोनिया जो हमने 10 ग्राम इसमें लिया था उनको बिल्कुल बारीक पाउडर कर लिया है। अभी हम दोनों चीज़ इस गुलकंद के अंदर मिला देते हैं। इस गुलकंद को भी अंदर हम जो हमारी औषधि है उनको मिला देते हैं। ये देखिए हमने इसमें डाल लिया है, और इसको चम्मच की सहायता से बिल्कुल अच्छे तरीके से मिला लीजिए।
दोस्तों चाहे कितने भी पुरानी कवच हो, 5 साल से हो, 10 साल से हो या 20 साल से हो, जितनी भी पुरानी आपकी कवच है, आपकी इस दवाई से जो हमने तैयार की है गुलकंद में, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। काफ़ी सालों से हम इसको अपने पेशेंटों को दे रहे हैं। जो नॉर्मल कवच होती है वो त्रिफला पाउडर से ठीक हो सकती है, लेकिन जो पुरानी कवच होती है वो कई बार त्रिफला पाउडर लेने से, कई बार तरह तरह की फक्कियाँ लेने से भी ठीक नहीं होती। तो पुरानी कवच में विशेषकर इसको उपयोग में लाया जा सकता है। अगर आपको नॉर्मल कवच है तो आप त्रिफला पाउडर लेकर ही उसको ठीक कर सकते हो। और दोस्तों इसकी मात्रा हमें कितनी लेनी है, शाम को सोते वक्त हमें आधी चम्मच आप गुनगुने दूध के साथ ले सकते हैं। आधी चम्मच आपको रात को जब सोने लगे उस टाइम आपको गुनगुने दूध के साथ लेकर सो जाना है। सुबह आपका बिल्कुल बढ़िया से आपका पेट साफ होगा। अगर आधी चम्मच से आपका पेट साफ नहीं हो रहा, कम हो रहा, तो आप पूरी चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको आधी चम्मच ही लेनी है और इसका रिजल्ट देखना है। अगर आधी चम्मच से आपका पेट सही से साफ नहीं हो रहा तो आपको पूरी चम्मच ले लेनी है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से हमारे भाई बहन, बहुत से लोग कब्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुँचाइए और अपने कब्ज को बिल्कुल ठीक कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।